लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका, 3 रुपए 13 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ी डीजल की कीमत। दिल्ली में 66 रुपए 29 पैसे पहुंचा पेट्रोल का दाम, लोगों में जबरदस्त नाराजगी। पिछले 15 दिनों में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम, पटना में भी लोगों ने जताई नाराजगी। तेल की कीमत में बढ़ोतरी से जयपुर में नाराजगी, लोगों ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने लोगों की जेब पर बढ़ाया बोझ, बार बार दाम बढ़ने से बढ़ी मुश्किलें। मोदी के चीन दौरे का आखिरी पड़ाव, बीजिंग से शंघाई पहुंचे प्रधानमंत्री, एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। बीजिंग के टेंपल ऑफ हेवन में मोदी ने पढ़ाया योग का पाठ, चीन के पीएम ली केकियांग भी थे मौजूद। टेंपल ऑफ हेवन में चीनी बच्चों ने पेश किया शानदार कार्यक्रम, पारंपरिक कला ताइची और योग का फ्यूजन का अद्भुत नजारा। चीनी बच्चों के साथ भी प्रधानमंत्री ने गुजारा वक्त, सेल्फी को लेकर दिखा जबरदस्त क्रेज। बीजिंग के हॉल ऑफ पीपल में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत, मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राहुल ने तेलंगाना में की पदयात्रा, किसानों के साथ 12 किलोमीटर घूमे कांग्रेस के उपाध्यक्ष, आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों से की मुलाकात। आदिलाबाद के वाडियाल में खत्म हुई राहुल की पदयात्रा, लोगों के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष ने साधा मोदी पर निशाना। राहुल ने की 5 गांवों की पदयात्रा, सबसे पहले पहुंचे कोराटिकल गांव, आत्महत्या करने वाले किसान राजेश्वर के बेटे को दिया 2 लाख का चेक। लक्ष्मण चंदा गांव बना राहुल की पदयात्रा का दूसरा पड़ाव, 25,000 किसानों ने दिया कांग्रेस उपाध्यक्ष का साथ। आदिलाबाद के निर्मल से शुरू हुई राहुल की पदयात्रा, किसानों के समूहों से की मुलाकात, थोड़ी देर में लौटेंगे हैदराबाद। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों को खंगालेगी हरियाणा सरकार, रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा की अगुवाई में बना जांच आयोग, वाड्रा बोले बदले की भावना से ना हो जांच। 6 महीने में पूरी होगी वाड्रा जमीन घोटाले की जांच, अंबाला में हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा किसानों की बात करने से पहले गाय और बैल में फर्क समझे कांग्रेस के उपाध्यक्ष। शुरू हुई केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने की तैयारियां, वर्ष 1 काम अनेक और मोदी सरकार विकास लगातार के नारों के बीच बनेगी पहली सालगिरह। 25 मई को मोदी की रैली के लिए मथुरा में जोरदार तैयारियां, सरकार के 1 साल पूरा होने पर दीनदयाल उपाध्याय की जनस्थली से लोगों को उपलब्धियां बताएंगे पीएम। आरजेडी और जेडीयू में फिर शुरू हुई तकरार, लालू ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा किसानों को ठीक से मुआवजा नहीं दे रही है बिहार सरकार। मुश्किल में फंसे झारखंड के मंत्री सीपी सिंह, जरूरी जानकारी छिपाकर झारखंड राज्य आवास बोर्ड का प्लॉट खरीदने का आरोप, जेएमएम ने मांगा इस्तीफा। जेबीटी घोटाले में आईएनएलडी नेता अजय चौटाला को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। बस्तर में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सीआरपीएफ ने बरामद किया 10 किलो वजन वाला टिफिन बम। कोलकाता में भूमि बिल के खिलाफ सीपीआई का विरोध प्रदर्शन, केंद्र की एनडीए सरकार पर साधा निशाना। बिहार के बिहटा में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के सामने खुदकुशी के लिए पेड़ पर चढ़ा किसान, काफी मशक्कत के बाद उतारा गया नीचे। मोदी सरकार पर नीतीश कुमार का निशाना, कहा सिर्फ भाषणबाजी से चल रहा है काम, अब भी अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं लोग। वाराणसी में बुनकरों के लिए उस्ताद योजना की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार अब्बास नकवी ने किया लॉन्च। मुंबई में मीठी नदी के मुआयने के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे, मॉनसून की तैयारियों का लिया जायजा। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर फारूक अब्दुल्ला की नसीहत, कहा तीनों समुदायों को पैदा करना होगा दोस्ताना माहौल।
अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह का बयान, सिखों को पैदा करने चाहिए चार बच्चे क्योंकि ग्राफ हो रहा है कम। रायपुर में जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन की छापेमारी, एक स्टोरेज पर छापे में 2 करोड़ से ज्यादा की दाल जब्त। 2 दिन पहले हुए हादसे के विरोध में आसनसोल के कोयला खदान में गांव वालों का हंगामा, घंटों तक रुका रहा काम। यूपी के हमीरपुर में इंटर के छात्र ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी, चोरी का आरोप लगने से था परेशान। एएमयू की पूर्व छात्रा अस्मा जावेद मर्डर केस में खुलासा, करीबी जावेद ने की थी हत्या, आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला गुनाह। मुंबई से सटे कल्याण स्टेशन पर बांग्लादेशी लड़की से गैंगरेप, बेहोशी की हालत में ट्रेन से हुई सवार, इटारसी में पुलिस ने उतारा। इंदौर में युवती के साथ गैंगरेप, दोस्त के साथ बाइक पर घूमने निकली थी पीड़ित, 2 गिरफ्तार, 2 आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के फिरोजाबाद में मूक बधिर महिला से बलात्कार, परिजनों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर लगाया आरोप, 10 मई की वारदात। गुड़गांव के फतेहपुर इलाके में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत, अवैध निर्माण पर कार्रवाई के विरोध में लोगों ने गैस सिलेंडरों में लगाई आग। रेप वीडियो के सोशल साइट पर डालने के आरोप में एक गिरफ्तारी, सीबीआई ने बैंगलोर में दबोचा। बिजनौर में गंगा किनारे लगे तरबूज बन गए 3 बच्चों की मौत की वजह, ज्यादा गहरा पानी होने के कारण डूब गए मासूम। आसनसोल में स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को लोगों ने पीटा, बीमार बच्चे को नहीं ले गए थे अस्पताल, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। हरियाणा के यमुनानगर में एक फैक्ट्री के पुराने कर्मचारियों ने की मालिक पिटाई, लाखों की नकदी भी लूटी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सुनंदा पुष्कर मामले में 3 गवाह, नारायण सिंह, बजरंगी और संजय दीवान का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी पुलिस, कोर्ट से मांगी इजाजत। यूपी के संभल में मिट्टी धंसने से 15 लोग दबे, 5 बच्चियों और 1 महिला की मौत। पुरुलिया की अदालत ने नागालैंड आर्म पुलिस के जवान को दी उम्र कैद, 2010 में की गई थी 2 दूसरे जवानों की हत्या। कानपुर पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, एटीएम की बैटरी और मशीन उखाड़ने का औजार बरामद। हावड़ा के सैकिया से 7 साल के बच्चे का शव बरामद, 5 दिनों से था लापता, परिवार वालों का दावा, अपहरणकर्ताओं ने मांगे थे 50,000 रुपए। गोवा के विधायक सुभाष फलदेसाई की कार ने एक बाइक सवार को कुचला, एयरपोर्ट के पास हुआ हादसा। बर्दवान में ट्रैफिक पुलिस पर महिला और उसके पति की पिटाई का आरोप, दंपत्ति ने मचाया हंगामा, रिश्वत को लेकर बढ़ा विवाद। एमपी के सागर में 21 साल की युवती के साथ गैंगरेप, चाकुओं से गोदकर फरार हुए आरोपी। मैनपुरी में लोगों ने की तांत्रिक की पिटाई, 14 साल की नाबालिग से बलात्कार का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसा, बस के पलटने से 5 की मौत, 23 घायल। राजस्थान के नागौर में जमीन विवाद को लेकर खूनी भिड़ंत, 4 की मौत, 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी, हथियारबंद लोगों ने कई गाड़ियों में भी लगाई आग। दरभंगा में कॉलेज के ग्राउंड से मिला अज्ञात महिला का शव, चश्मदीदों के मुताबिक बलात्कार के बाद हत्या का शक। थाने के बियर बार में लड़कियों के साथ झूमता नजर आया पुलिस अधिकारी, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। गढ़वा में आपसी विवाद में घर के लोगों ने महिला को निर्वस्त्र करने के बाद जमकर पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में घर में घुसकर बदमाशों ने की लूटपाट, विरोध करने पर बच्चे को जमकर पीटा, 8 तोला सोना चांदी और कैश लूटकर फरार। रांची के निधि केस में पतरातू से 2 गिरफ्तारी के बाद नया खुलासा, अपहरण के बाद की गई थी हत्या, गया के पास फेंकी गई थी लाश। लुधियाना में प्राइवेट कंपनी की बस में महिला से छेड़छाड़, पीड़ित ने थाने के पास रुकवाई बस, आरोपी को किया पुलिस के हवाले। पंजाब के मुक्तसर में 2 दलित बहनों से चलती बस में कंडक्टर ने की छेड़छाड़, टिकट होने के बावजूद बस से उतारा।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 10वीं क्लास की परीक्षा के दौरान छात्रों ने जमकर की नकल, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बच्चों की क्लास में फंसे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी, छात्रों ने पूछे तीखे और अटपटे सवाल। मथुरा में बीती रात आए तूफान से भड़का लोगों का गुस्सा, बिजली पानी की समस्या को लेकर 2 घंटे तक यमुना एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम। यूपी के हमीरपुर में बाल श्रम कानून की सरेआम उड़ रही है धज्जियां, गेहूं खरीद केंद्रों में बच्चों से करवाई जा रही है मजदूरी। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के डीजीपी और गृह सचिव की सहारनपुर के अधिकारियों के साथ बैठक, पुलिस को हाईटेक बनाने का किया दावा। बालू माफिया के खिलाफ रोपड़ में होगा बैस बंधुओं का अगला सत्याग्रह, पिछले महीने लुधियाना में की थी शुरुआत लेकिन हुए थे गिरफ्तार। इराक में अगवा 39 भारतीय के मारे जाने की खबर के बाद सदमे में संगरूर का एक परिवार, 4 साल पहले मोसुल गए थे प्रीतपाल शर्मा। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई का हंगामा, पथराव में कई छात्रों समेत एक पुलिसकर्मी घायल। छत्तीसगढ़ में शराब माफियाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिए हाईवे किनारे बनी दुकानों को हटाने के निर्देश। अदालत के फैसले से नोएडा एक्सटेंशन के किसानों में हड़कंप, 65 गांव के किसानों ने बुलाई महापंचायत। गुजरात के एक आईपीएस ने बॉडीगार्ड से उठवाए जूते, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, मीडिया से बच रहे हैं सूरत में तैनात मकरंद चौहान। झमाझम बारिश से दिल्ली एनसीआर में सुहाना हुआ मौसम, लोगों को गर्मी से मिली राहत। लखनऊ के एक स्कूल ने जारी किया तुगलकी फरमान, 9वीं की एक स्टूडेंट पर लगाई पाबंदी, स्कार्फ पहनकर आई थी छात्रा, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। केरल के कोझीकोड में ब्रेन डेड एक महिला ने 5 लोगों की दी जिंदगी, 5 अलग अलग लोगों में प्रत्यारोपित किए गए अनीता के 5 अंग। महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशनों के परिसर, पुलिस के सुरक्षा सर्वे के बाद हुआ खुलासा। वाराणसी में कैंट स्टेशन पर मुसाफिर परेशान, पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत, गंदगी की समस्या ने भी बढ़ाई मुश्किल। मुगलसराय में ट्रेन की पैंट्री, कारों और प्लेटफॉर्म पर स्थित खाने पीने की दुकानों में छापेमारी, गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस में के पैंट्री मैनेजर पर 25,000 का जुर्माना। सामने आई भूकंप के बाद भूस्खलन की तस्वीरें, कोडारी के पास पहाड़ों से भरा कर घिरे चट्टाने। भूकंप के 20 दिन बाद भी नेपाल में जारी है राहत और बचाव का काम, नेपाल के पीएम खुद रख रहे हैं नजर। नेपाल में राहत कामों में लगी है भारतीय सेना, कई जगहों पर लगाए गए हैं राहत कैंप। नेपाल में अब भी भूकंप के झटकों का खौफ, एहतियात के लिए लोग लगा रहे हैं सिस्मो अलार्म। छह महीने बाद रोहतांग दर्रे पर बहाल हुई आवाजाही, भारी बर्फबारी के बाद दिसंबर से बंद था रास्ता, देश के दूसरे हिस्सों से कट गया था लाहौल स्पीति। सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना ऐतिहासिक मुगल रोड, बर्फ से ढके पीर पंजाल पहाड़ों को देखने के लिए उमड़ रही है भीड़। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया जूतों में लगाया जाने वाला ट्रैकिंग डिवाइस, आतंकी हमलों के वक्त कमांडो ऑपरेशन में साबित होगा मददगार। नाफाखोरों से मुक्त होने वाला देश का पहला गांव बना केरल के एर्नाकुलम का एलुक्करा, बिना ब्याज के लोगों को मुहैया कराया जाएगा लोन। पटना के घर में रहता है 150 लोगों का परिवार, चुनाव के वक्त सियासी पार्टियों की रहती है नजर।